पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। दरअसल टीटीपी के आत्मघाती हमले में पाकिस्तान सेना के 9 जवानों की मौत की खबर है। घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जब एक बाइक सवार आत्मघाती आतंकी ने सेना के काफिले को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में पाकिस्तान सेना के 9 जवानों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान सेना ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामे में एक आतंकी ने विस्फोट लदी कार से सीआरपीएफ के एक काफिले के वाहन में टक्कर मार दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ICSPR शाखा ने बताया कि पाकिस्तान के खैबर प्रांत के ब्रून जिले में गुरुवार को एक बाइक सवार आत्मघाती हमले ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। हमलावर ने अपनी बाइक काफिले के एक वाहन से टकरा दी। इससे जबरदस्त विस्फोट हुआ और वाहन में सवार 9 जवानों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। तहकीक के तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। घटना के बाद सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दी है। वहीं इस आतंकी हमले की घटना पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं काफी बढ़ गई है। खासकर TTP द्वारा पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। TTP कई आतंकी संगठनों का समूह है जिसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी। अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में इस आतंकी संगठन का काफी प्रभाव है और यहाँ कई आतंकी हमले के पीछे TTP की भूमिका रही है। बीते महीने ही खैबर में एक पुलिस चौकी पर TTP के आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बीते 30 जनवरी को पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती आतंकियों ने दोपहर की नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साल 2014 में भी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए TTP के हमले में भी 130 से अधिक छात्राएं मारे गए थे जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।